जय भीम जय जोहार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और मैं एक बार फिर से भारत दस्तक के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूपी के बस्ती से। यूपी के बस्ती में दो नाबालिग प्रेमी युगल को यानी कि प्रेमी जोड़े को बहुत ही पंचायत जो की पंचायत थी उसने एक तालिबानी फरमान सुनाया कि इनका मुंह काला कर कर इनके गले में चप्पल डालकर घुमाया जाए और ये दोनों ही लड़का और लड़की दोनों ही दलित थे। यूपी से ऐसी घटना हो या देश के किसी भी हिस्से से ऐसी घटना अक्सर आते रहती है। लोगों को लव स्टोरीज तो बहुत पसंद होती है लेकिन प्यार करने वाले पसंद नहीं होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो बहुजन समाज है और खास कर दलित समाज, उनमें अगर कोई प्रेम करता है या कोई प्रेम विवाह करता है तो उनके साथ अक्सर ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो बड़े लोग जो गाँव के पंच प्रधान होते हैं वो किस जाति के होते हैं आप भली भांति जानते हो, और वो ऐसा क्यों करते हैं, इनको नीचा दिखाने के लिए करते हैं, उनको बस एक मौका चाहिए। तो दोस्तों यूपी के बस्ती से ये खबर आ रही थी और मेरा कहना है और सभी ऐसा कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार आई है तब से ऐसी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ऐसी घटनाओं के बावजूद भी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है उनका कहना है कि यूपी में भाजपा 325 से 350 सीटें जीतेगी और सबका सफाया कर देगी। ऐसा योगी जी बयान दे रहे हैं, अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में भाजपा 325 से 350 सीटें जीतेगी। आपको ऐसा लगता है क्या क्या भाजपा 350 सीटें जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जो प्रेमी युगल यानी कि जो लड़का और लड़की थे दोनों प्रेम करते थे एक दूसरे से और पंचायत ने ऐसा तालिबानी फरमान सुनाया, इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या राय है, क्या भारत में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नीचे कमेंट करके बताइए। और होता अक्सर दलित जातियों के लड़के और लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है। दोस्तों अगली जो खबर निकल कर आ रही है वो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को लेकर आ रही है। आपको पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी लगातार रैलियां कर रहे हैं और चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं और खास कर बहुजन समाज पर उनका पूरा फोकस है और उनका कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। इस बार उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि हमेशा दलित समाज को और मुस्लिम समाज को भाजपा और कांग्रेस ने अपना वोट बैंक समझा है। हाँ, ये एक बड़ा बयान चंद्रशेखर जी की तरफ से आया है। उनका कहना है कि दलित समाज को और मुस्लिम समाज को सभी पार्टियां, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी अपना वोट बैंक समझती है और इनके दुख और दर्द में कभी काम नहीं आती है। सरकार किसी की भी रहे लेकिन लिंचिंग होती मुसलमानों की है, अक्सर मुसलमानों को आतंकवादी की नज़र से देखा जाता है और अत्याचार और प्रताड़ना होता सिर्फ दलितों का ही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो या फिर सपा की हो, किसी की भी सरकार हो तो दलितों का दमन तो हमेशा होते ही रहता है, ऐसा उनका कहना है। तो क्या आप इस बात से वाकिफ हो या इस बात से आप सहमत हो चंद्रशेखर जी की कि किसी की भी सरकार रहे दलितों का दमन तो होते ही रहता है, इसलिए इस बार आजाद समाज पार्टी को सत्ता में लाना है, ऐसा उनका कहना है। और मुस्लिम और दलित तो वोट बैंक है ही, ऐसा वो कह ही रहे हैं। तो आप क्या कहते हो इसको लेकर, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। देखते रहिए भारत दस्तक।